अस्सलाम वालेकुम। आज हम मूली के पकोड़े बनाने जा रहे हैं, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। बिल्कुल अलग मजा होगा इसका, बहुत ही बढ़िया सा मजा होगा। तो उसके लिए हमने ये मूली ले लिए और मैदा ले लिया 1 कप, और आधा कप हमने चावल का आटा लिया। अगर आपके पास चावल का आटा न हो तो आप सूजी ले सकते हैं, जिसे रवा बोलते हैं। और ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, तो इसमें ज्यादा कुछ सामान नहीं जाता और बहुत ही बढ़िया पकोड़े बनके तैयार हो जाते हैं। तो हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो इनके हम इतने बड़े साइज के 3 हिस्से करेंगे इसमें से, और फिर उसको लंबा लंबा कद्दूकस करेंगे मोटे वाले साइज से। ये देखिए, तो दिखाते हैं आपको, छील लेते हैं पहले। ये देखिए, हमने लच्छेदार कद्दूकस कर लिया, ये आप देख सकते हैं। तो हम इसे थोड़ी देर पानी में डालेंगे, ये सादा नॉर्मल पानी है, तो इसमें भिगो देंगे ताकि इसकी जो भी तेजी होगी वो खत्म हो जाएगी और मीठी हो जाएगी। मूली का मजा जो है मीठा हो जाएगा। ये देखिए, तो हमने इसे कद्दूकस कर लिया, बड़े साइज का होता है जो इसमें चौड़ा उससे करा है। ये देखिए कितना प्यारा सा लच्छा बना है हमारा। तो सब हम ऐसे ही घिस लेते हैं और 5 से 7 मिनट हम इसे भिगो देंगे और फिर दिखाते हैं आपको। हमने अच्छे से धो लिया है मूली को, ये देखिए बिल्कुल एकदम अलग अलग हो गई है ये बिखरी हुई। तो ऐसे ही हमें चाहिए थी। अब इसमें से जो झड़प होती है, जैसे प्याज की धो के निकाल लेते हैं, ऐसे इसकी भी निकाल लेते हैं अच्छे से धो के। लेकिन ये ऐसे लंबे लंबे होना चाहिए लच्छे, ठीक है। तो हम इसे सब मसालों में मिक्स कर लेते हैं, कुछ मैदा डाल लेते हैं, तो ज़्यादा नहीं डालें, बस ज़रूरत के हिसाब से, ताकि ये बाइंडिंग अच्छे से बन जाए, तो उसके हिसाब से डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून चावल का आटा डाल देंगे, आधा टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर और नमक टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे, जितना पकौड़े में जरूरत है इतना। तो हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें अभी पानी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मूली पानी छोड़ती है, बहुत ज़्यादा छोड़ता है, तो इसीलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इधर हमने तेल रख दिया था गरम होने के लिए, तेल हमारा गरम हो गया, तो थोड़ा मीडियम ही आंच रखें। तो हमने ये मिक्स कर लिया है सब, तो इसमें डाल देते हैं। ये देखिए अच्छे से हमने मिला दिया, इसको ज़्यादा दबा दबा के ना मिलाएं, नहीं तो जो उसके रेशे हैं, लच्छे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा सा उठा के आप ऐसे ही इसमें डाल सकते हैं। देखिए ऐसे हमारे तरीके से, आप अपने साइज अपने हिसाब से बना सकते हैं, कम या ज्यादा। ये देखिए ऐसे करके आप इन्हें भाप में भी पका सकते हैं, जैसे मोमोज बनाते हैं ऐसे भाप में भी बना सकते हैं, वो भी अच्छे लगेंगे। जिन लोगों को मोमोज पसंद है तो वो लोग जरूर ट्राई करें। आपने कभी, हमें ये है कि अंदाजा के आपने खाए नहीं होंगे मूली के पकौड़े, तो हम नई नई रेसिपी लेकर आते हैं आप सबके लिए। तो आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हम ऐसे ही नई नई वीडियो लाते रहें आप सबके लिए। तो मीडियम आंच पे हम सेक लेते हैं इन्हें अच्छे से, और ये रेड कलर नहीं होगा इसका, ब्राउन नहीं होगा, वाइट ही रहेंगे, बस कच्ची नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें वाइट इस्तेमाल करें सब चीज़ें, तो इसलिए। देखिए हमारे पकोड़े जो हैं मूली के तैयार हो गए हैं, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितने बेहतरीन से सिके हैं। तो आप ये टिश्यू पेपर पे रखें सेक के, ताकि इनका जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा, ऑयल होगा, वो निकल जाएगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से सिक्के तैयार हुए हैं, ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया है। प्लेट लगा देते हैं, गरम गरम ही खाइए, गरम गरम बहुत ही अच्छे लगेंगे। और आप जो है ये मूली के पत्ते भी खाएं, जब मूली का इस्तेमाल करें, कच्ची मूली सलाद में खाएं या पकौड़ा खाएं, तो ये जो महीन महीन कोबले होती है ज़रूर खाएं, ये मूली को हजम करता है और फ़ायदेमंद होता है। और ये हमारे पकौड़े बनके बिल्कुल तैयार हो गए, ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन से लग रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नई रेसिपी है या आपने खाई होगी ये ज़रूर, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए,
ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसीलिए बेल आइकन दबाना जरूरी है। फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह।